मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पद की शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद प्रदेश के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के वचन निभाते हुए जय किसान फसल ऋण माफी योजना शुरू की। इसके प्रथम चरण में प्रदेश के लगभग 21 लाख किसानों के फसल ऋण माफ किए गए हैं। इन फसलों में 2 लाख रुपए तक के कालातीत तथा 50,000 रुपए तक के चालू फसल ऋण खाता धारक शामिल हैं। खरगोन जिले की बड़वा विधानसभा के गांव थरवर के किसान मनोहर ठाकुर का लंबे समय से चला आ रहा कालातीत ऋण 1,83,503 रुपए योजना के तहत माफ किया गया है। लाभान्वित किसान ठाकुर ने इस दिवाली पर फसल ऋण माफी योजना पत्र की भी पूजा की और मुख्यमंत्री कमलनाथ के फोटो को तिलक लगाकर आभार व्यक्त किया। किसान ठाकुर कहते हैं कि इस योजना से फायदा लेने के बाद वे चिंता मुक्त होकर खेती कर रहे हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री सचिन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निरंतर किसानों के हित में काम कर रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों को ऋण माफी कर आर्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का ध्येय है। सनावत से प्रभु दोगाया की रिपोर्ट। हम इस बार किसानों के लिए अच्छी दीपावली रही, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने और हमारे कृषि मंत्री श्री सचिन यादव जी की वजह से हम काफी अच्छी दीपावली मनाई हमने। उन्होंने हमारा कर्जा माफ किया और के समय ही मुख्यमंत्री ने इन्होंने घोषणा कही दी थी कि माफ किया जाएगा, 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ हुआ है। 1,85,000 खुद मेरे हुए हैं और मेरे घर मम्मी के भी 1,21,000 रुपए कुछ और कुछ रुपए ऐसे माफ हुए हैं। किसानों की वजह से या कमलनाथ की सरकार की वजह से हम काफ़ी अच्छी दीपावली इस बार मनाई है और सचिन जी यादव हमारे जो कृषि मंत्री है इस बार हर दीपावली की वजह से दीपावली पे हर किसानों के चेहरों पर मुस्कान है और कृषि सचिन जी यादव माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का हम धन्यवाद करते हैं। इसमें एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किसानों को लेकर के 50,000 रुपए का कर्ज माफ करने की बात कही थी, उसमें आप लोगों का कोई कर्ज माफ हुआ था? नहीं, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। किसी से पूछ लो गांव में कहीं पे भी नहीं, कभी नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। कभी 50,000 का घोषणा जरूर कर देती बीजेपी सरकार, लेकिन कभी माफ नहीं हुआ आज तक। बाद में बोलते जुमला है और किसानों की तो आज कांग्रेसी सरकार अच्छी है, बीजेपी ने तो लाठी चार्ज करवाया, मंदसौर में गोली कांड करवाया। हाँ, ये किसानों की सरकार बीजेपी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घोषणा की थी 15-15 लाख देने की, हर एक खाते में डालेंगे, पर अभी तक कुछ नहीं मिला, सब जुमला निकला वो तो। और 2,000 रुपए दे रहे, किसी को दे रहे, कभी मिलते ही नहीं किसी को, अभी भी बहुत सारे बाकी है उनमें। अच्छा, माननीय कमलनाथ जी ने जो 2-2 लाख रुपए कर्ज माफ की बात की थी उसमें आप लोगों के अकाउंट में पैसा आ गया, आपका कर्ज माफ हो गया है? कर्जा माफ हो गया और डबल से अकाउंट में आ भी गया। ऐसे कितने किसान है आपके गांव में जिनका कर्ज माफ हुआ होगा? 60-70 जन के कर्ज माफ हुए हैं। और सिर्फ जो है अपनी खोई हुई राजनीति जो है वापस पाने के लिए और इस समय पर किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। जब प्रदेश के किसानों ने 15 साल तक एक लंबा समय जो है उनको सरकार चलाने का मौका दिया, सरकार चलाने का अवसर दिया, लेकिन उन 15 सालों में उन्होंने किसान साथियों की सूझ नहीं ली। अनेक अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है किसानों को बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े वादे दिखाए, बड़े बड़े नारे दिए, सोई से लेकर ट्रैक्टर तक की कर्ज माफ़ी का नारा दिया, 50,000 रुपये तक की कर्ज माफ़ी का नारा दिया, 15 लाख रुपए जो है किसानों के खाते में डालने का नारा दिया। तमाम नारे, तमाम सपने, तमाम वादे जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के किसानों को, भोले भाले किसानों और अन्नदाताओं को दिखाए, लेकिन सरकार बनने के बाद, उनका अमूल्य वोट मिलने के बाद एक भी वादे को, उन्होंने एक भी सपने को जो है पूरा करने का काम नहीं किया। और मैं तो अनेक अवसरों पर कह चुका हूँ, मैंने चुनौती भी जो है भारतीय जनता पार्टी को दी है कि उनके 15 साल के कार्यकाल में अगर उन्होंने एक भी किसान का ऋण माफ किया है तो वो नाम बताए, अन्यथा मेरे साथ में चले और हमारी सरकार ने जो 20 लाख से अधिक किसानों का जो ऋण, पूरे प्रदेश के किसानों का ऋण माफ करने का काम किया है, मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो उनके नेता जो